यार बाहर जाऊं भी या बहाना ही मार दूं? हो आती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। इंती के तीन कपड़े फिट आ रहे हैं मुझे, मैंने नहीं जाना। कोई आती हूँ, थोड़े बहुत कपड़े ले आऊंगी जाके। वॉश करना पड़ेगा वरना फोटोज अच्छी नहीं आएंगी, तेल तेल हो रखा है। छोड़ो जाने दो। बाहर तो नहीं आ पाऊंगी यार, तू मेरे घर आ जा। हाँ हाँ मिलते हैं, दिक्कत क्या है यार इतनी दूर। सुन एक काम कर, मेरे घर आ जा, मैं पास्ता बना दूंगी। यार मेरे को घर का नहीं खाना। अच्छा तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। सुन गोल्डी और पप्लू को भी बुला लेंगे, बहुत दूर पड़ जाता है ना, मम्मा जाने नहीं देंगी। तू घर आ जा, उनो खेलेंगे। अच्छा सुन, घर जैसा पास्ता बना दूंगी। हेलो हेलो, तो मैं रेड ड्रैगन केक खाऊंगा। खाना खा लेंगे मतलब जा क्यों रहे हैं फिर? चेतन का एक्सीडेंट हुआ है तो। यार यहाँ के चौमिन खा के दस्त लगवाने हैं क्या? चल चल मैं खिलाता हूँ। मैं क्या करूँगा लखानी की जूतों की सेल का? यार कोई फूड फेस्टिवल नहीं लग रहा क्या? चाट खाने चले, मैं भूख नहीं लग रही थी। ट्राई कर रही हूँ यार मैं। चंदू 5 minutes later। अच्छा 5 मिनट वेट नहीं किया गया मेरा, जब मैंने बोला था मैं जा रहा हूँ तो जाऊंगा ही ना। कैसी स्किनी सी हो गई है, दिखाई भी नहीं दे रही। वेट कम हुआ है ना तेरा? हरे राम, इतनी मोटी कैसे हो गई तू? लॉकडाउन से पहले तो बहुत पतली थी। बाल कितने हल्के से हो गए हैं। डार्क सर्कल्स कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं है? अपने लिप्स देख, ये ले लिप ग्लॉस। सुन बालों पे ना दही, अंडा, काली मिर्च, नींबू, इसका लेप लगाएगी, एकदम रंगत निखर के आएगी। बालों की भी चेहरे की भी कहीं पे भी लगा लो। मेरा तो रोज ही बाहर का है, परसों ही इस कैफे से होके गया हूँ यार। रामू, अरे यार मैं सबको जानता हूँ, तुम्हें मेरा घूमने की जगह खत्म हो चुकी है। मेरे हिसाब से मालदीव चलते हैं। पापा से बोलूँ कि आप प्लेन बुक कर देंगे। ये लॉकडाउन वगैरह ना काफी टफ रहा है। हाँ मैं हफ्ते में 15 दिन बाहर जाया करता था और अब देखो सिर्फ 12 दिन जा पाता हूँ ब्रो। उस दिन जब मैं क्लब जा रहा था ना, क्लब्स वगैरह तो सब बंद थे ना। बहुत चतुर भाई की, तुझे क्या लगता है? बंद थे ना। अभी अभी मेट्रो की रेलिंग्स पकड़ी है, सैनिटाइज। यार ठेले पर से खाएगी, पहले की बात और थी यार। लेट्स गो टू दैट कैफे। नो नहीं नहीं नहीं, दूर से मास्क ऊपर करना। हाँ ठीक है। रोजनी भाई बहुत भीड़ होगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुझे पता है मेट्रो का कितना बुरा हाल है यार, प्लीज कैब से जाएंगे। पैसे लगने दे यार, पैसे ज्यादा जरूरी है, अपनी लाइफ ज्यादा जरूरी है। घर पे भी मास्क पहन के रख। हाँ हाँ थर्ड वेव आने वाली है। ब्रेकअप हुआ था ना और तूने मुझे नहीं बताया। सान्या के पास चली गई है मुंह उठाकर। इन लड़कों का ना हमेशा ऐसे ही होता है, बेबी आई विल डू दिस फॉर यू, बेबी आई विल डू दैट। मुझसे पूछो, मेरे को एक बात बता, जब उसने तुझे अपनी चैट दिखाने से मना कर दिया उसी टाइम तुझे समझ जाना चाहिए था। अगर तू मेरे पास आती तो तब भी तुझे हेल्प मिल जाती, पर नहीं तुझे तो। किसका मैसेज है दिखा, ब्लॉक कर अभी के अभी, ब्लॉक कर यार। एक सेकेंड। हेलो
शाम को मिलते हैं। ओके कब मिलना है? नहीं, ट्यूसडे को तो इंटर्नशिप है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, कांट मिस इट। थर्सडे को एक्चुअली मेरी नई जॉब लगी है ना टाटा चिन्नी कंपनी में, उसी वजह से। वीकेंड पे नहीं, तुझे पता है ना मैं बिट्टू कलावती सिंगिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ, तो फ्रेशर्स के ऑडिशंस लेने होंगे तो वीकेंड्स पे हम वो कर रहे हैं। आई विल ट्राई टू कम, आई विल लेट यू नो। बाय। टू बिजी, हाउ कैन आई गो एंड चिल? प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करो इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस, और शेयर कर दो दबा के, अपने दोस्तों को भेजो, उन्हें भी बोलो मुझे सब्सक्राइब करें, एंड मुझे बताओ ये वीडियो कैसी लगी। यार मैंने पूरे 6 महीने बाद ऐसे था, आई एम सॉरी, पूरे 6 महीने बाद मैंने एक वाइन रिकॉर्ड करा है और आई जस्ट लव्ड इट। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट मोर वाइन्स, इफ़ यू वॉन्ट मोर कैरेक्टर्स, आई विल डेफिनेटली कम अप विद दोज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।